शांतम सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम मैम, अल्लाह का शुक्र, आप सुना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, आप हमें बताएं कि ये गाड़ी जो है आजकल हमें सड़क पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो क्या ऐसी खास बात है इसमें जो ये दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट है? सबसे पहले तो मैम आप अगर इसके एक्सटीरियर की तरफ देखें, एक्सटीरियर इसका सबसे पहला इंप्रेशन ये छोड़ता है कि बहुत इसकी जो लुक है वो बहुत अग्रेसिव लुक है, दूसरी गाड़ियों से फ्यूचरिस्टिक है। इसको अगर आप फ्रंट से देखें तो इसकी ग्रिल्स जो है वो ऐसे जिस तरह ओशन वेव्स की तरह, इसलिए इसका नाम भी ओशान X7 इन्होंने रखा है। उसके बाद इसकी जो लाइट्स आप देखें फ्यूचरिस्टिक है, डायनामिक लाइट्स हैं। इसकी DRL ऊपर दिए हुए, हेडलाइट नीचे, इंक्लूडिंग देयर पार्किंग सेंसर, ये इसके वो फीचर्स हैं जो फ्रंट में आते हैं। साथ ही इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा भी मौजूद है, और अगर आप साइड से आए तो साइड से आप इसकी प्रोफाइल चेक करेंगे किस तरह की इसकी खूबसूरत सी प्रोफाइल है जो फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट आ रही है। इसके एक्सटीरियर के अंदर आप देखें तो नीचे वाली तरफ इन्होंने जो गार्निश है उसके अंदर रेड कलर का बहुत खूबसूरत टच दिया हुआ है। साइड पे आप इसके जो है इंडिकेटर्स देखेंगे, इंडिकेटर्स हैं, टर्निंग लाइट्स हैं, और साथ ही इसके अंदर ना 360 कैमरे का यहाँ पे भी कैमरा है। स्मार्ट एंट्री सिस्टम है इसके अंदर, आप इस गाड़ी के पास आते हैं अनलॉक हो जाती है। अगर खुदाना हादसा आपने गाड़ी से उतरे शीशे या सनरूफ बंद करना भूल गए, थोड़े फासले पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। सही सही, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हम थोड़ी दूर आए ऑटोमेटिकली बंद हो गई गाड़ी। इसके बाद आप इसकी बैक साइड पे आ जाए, बैक साइड पे जाने से पहले मैं आपको इसके टायर के बारे में कुछ बताता चलूँ। ये 19 इंच का टायर है, इस वक्त इस सेगमेंट की गाड़ी में सबसे बड़ा टायर है। इसके अंदर अलॉय व्हील्स के साथ आता है, जिसकी वजह से इसके जो है स्पीड बम्प्स वगैरह और जो सड़क का शोर है वो इसके अंदर नहीं आता। उसके बाद आप बैक साइड पे आ जाए, बैक साइड की बहुत ही खूबसूरत चीज की लुक है, लाइट भी आप जैसे देख सकते हैं हर तरफ से इसको फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर पूरी एक लाइट दी गई है। सही। पीछे चंगान का खूबसूरत सा मोनोलॉग है, नाम है, और X7 का उन्होंने लोगो दे दिया हुआ है, और इसी तरह बैक के ऊपर भी इन्होंने पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त इसके अंदर फीचर्स पाए जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छी तरह से ये मॉडल तैयार किया गया है, बहुत एक शानदार अलग गाड़ी है। अब उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ये जो गाड़ी हम जिसका इस वक्त आपको डेमो दे रहे हैं ये है 5 सीटर, इसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं, 5 सीटर में 1 7 सीटर में। 5 सीटर फ्यूचर सेंस है, फुल ऑप्शन गाड़ी है। 7 सीटर इसका बेस वेरियंट है, और वो है उसका उसके अंदर कुछ फीचर इसमें से कम है। आए मैं आपको इसका अंदर से दिखाऊंगा इसके अंदर जो जो फीचर है। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका कितना खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत फ्यूचरिस्टिक सा, और साथ इसके साथ यहाँ पे इसकी LCD है जिसके अंदर इससे आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी की जितनी भी डिटेल्स हैं, AC वगैरह इसकी, अभी देखें इंस्पेक्शन की जा रही है, वो ऑटोमेटिकली सारी इंस्पेक्शन इसी करके बता देगा इसमें क्या मसला है, सिर्फ फ्यूल का मसला वो है। उसके बाद इसके अंदर मल्टीमीडिया प्लेयर है, 360 कैमरा है इसके अंदर, ये देखें कितना इसका डायनामिक 360 कैमरा विद लेंस। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बटन है, ऑटो होल्ड का, ब्रेक का, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं इस गाड़ी की जो फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर है, लाइट एडजस्ट है, हिल असिस्ट है, और ये जो मिरर कंट्रोल करने वाला साइड मिरर। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर। बाकी आप इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एयर वेंट्स भी दिए हुए हैं, और सबसे जो खूबसूरत चीज इसके अंदर जो आजकल गाड़ियों के अंदर आप पाई जा रही है वो है पैनोरामिक सनरूफ। अभी जैसे हमारा अगर सनरूफ खुला रह गया और हम भूल गए और गाड़ी से बाहर निकल गए तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये स्पोर्ट्स करेंगे तो रेड हो जाएगा मीटर, ये इसका नॉर्मल मोड है, और इसके साथ ही कस्टम मोड है कि आपने अगर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मोड सेट करना वो भी हो जाता है। और यहाँ पे आगे इन्होंने एक स्पेस दी हुई है, ऑटो होल्ड ब्रेक है इसके अंदर, साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ये भी हीटेड सीट का इन्होंने दिया हुआ है, ये वेंटिलेटेड सीट का, अगर गर्मी है तो आपको जो है ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके अंदर ना दोनों जो ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट सीटें हैं ना इलेक्ट्रिक पावर है, 6-way इलेक्ट्रिक पावर है, फ्रंट बैक अप डाउन और रिक्लाइन भी हो जाती है। और उसके बाद इसके पावर मिरर है चारों,
ऑटो हैं, चारों ऑटो हैं इसके मेरे, इसके अंदर इधर लेके हैं, इसके अंदर चार एयर बैग हैं, एक चेयरिंग के अंदर है, एक वहां पे और दो सीट्स के बैक साइड पे कर्टन। तो इसकी जो डिक्की है ये वन टच है, अगर आप इसको एक दफा पाएंगे ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, या आप इसको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी तरह बटन दबाएंगे, इसकी आप स्पेस चेक करें कितनी है, इसके अंदर इतनी एम्पल स्पेस है कि आप इसके अंदर बहुत अच्छा अमाउंट के अंदर लगेज रख सकते हैं। अगली सीट भी 30-40 सीट से लेट जाती है, फिर तो तकरीबन 2000 लीटर का इसके अंदर बूट होता है। इसके अंदर एक और बहुत अहम फीचर है कि आप इस गाड़ी में अगर नहीं बैठे हुए, गर्मी है, तो आप इसको रिमोट से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक सर्टन अमाउंट का फ्यूल है वो इसमें होना चाहिए, फिर आप इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर सर आप हमें ये बताइए कि इसके अंदर इंजन कौन सा यूज हुआ है? मैडम इसके अंदर चिंगांग का अपना इंजन है, ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज हुआ है, 6th जनरेशन यूरो 5 इंजन है इसके अंदर। ये 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है जो कि 185 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है, 300 टॉर्क का इन्होंने पीछे एक साइन भी दिया हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर इस इंजन की सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि इसके अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल डालने की जरूरत है, जो आजकल सबसे बड़ा डिलेमा बना हुआ है फ्यूल प्राइसेस का। इसके अंदर नॉर्मल जो सुपर है वो डालना है, ड्राइव बैटरी के साथ ही आता है। और इसकी और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये लोकल असेंबल्ड गाड़ी है, इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स है ना वो आपको हमारी किसी भी डीलरशिप से इजीली अवेलेबल है, जितनी भी 3S डीलरशिप है। किसी चीज के लिए आपको दूसरी दुकानों में या बाहर या सेल्फ इंपोर्ट करने की किसी चीज की जरूरत नहीं। इसकी इंजन सेफ्टी के लिए इन्होंने हीटिंग इंसुलेशन शील्ड भी दी है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसको पकड़े ना तो आप इसको उठा नहीं सकते। इन्होंने सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा दिए हुए, बिल्ड क्वालिटी से लेके एयर बैग्स और अंदर पैसेंजर्स वगैरह के लिए हर चीज है। हमारी इस वक्त जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस चल रही है ना वो 91,99,000 है, उसके बाद फाइलर टैक्स है 50,000, नॉन फाइलर टैक्स है 150,000। इसको आप अगर चाहें तो फुल पेमेंट पे भी बुकिंग करवा सकते हैं, अगर आप फाइलर ना तो 92,49,000 का पे ऑर्डर मास्टर चिंगान मोटर लिमिटेड का बनवाएं, अगर नॉन फाइलर तो 93,50,000 का बनवाएं। उसमें वेटिंग क्राइटेरिया तो 5 सीटर का इस वक्त ये चल रहा है कि हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जो कि हम 15 से 20 दिनों में कस्टमर्स को दे रहे हैं, या अगर हमारे पास रेडीली अवेलेबल भी खड़ी है तो हम दे रहे हैं। उसमें यह कि इससे कस्टमर भी खुश रहता है और लॉन्ग टाइम बुकिंग प्रोसेस इसका इतना नहीं है फिलहाल, क्योंकि जिस वक्त करंट इकोनॉमी मुल्क की कंडीशन जा रही है ना उसके अंदर ये अभी चंगान का सबसे बड़ा जो है ना ये है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो हम जल्दी डिलीवरी करें ताकि कस्टमर्स को वेट ना करना पड़े। उसमें हमारे हमें सिर्फ आपसे पे ऑर्डर एक चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड और आपसे कलर चाहिए होता है जो आपको चाहिए। तो और कितने कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं? इसके अंदर करंटली जो है वो 6 कलर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, एक ओरियन ब्लू है, स्पेस ग्रे और सिल्वर। बहुत शुक्रिया जैद जुनैद साहब, आपने हमें इतना अच्छा ब्रीफ किया। तो इसी साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक चलिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम और आज की गाड़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ साकु, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।